तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। उन्हीं डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप डिविजिबिलिटी बाय नंबर कैसे चेक करेंगे 3 का। मैंने बोला था जितने भी डिजिट्स होंगे उनके सम कर देना, अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 616, हमको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 616 में आप सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13। तो क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो देयरफॉर 616 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये इस टाइप से आप करोगे। कैसे लिखना है तो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। हम पहले लिख लेंगे 616 का हमको चेक करना है, तो हम इन सारे नंबर्स का सम कर लो, 6 प्लस 1 प्लस 6 डेट इज़ इक्वल टू 13, विच इज़ लिख लेना, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 616 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि 616 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, नाउ इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड दिया हुआ है 537, राइट। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग बना लोगे, तो इसका एक और मैं बता देता हूँ लास्ट वाला। तो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस डिविजिबिलिटी चेक करना है। लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, देखो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 सारे को अगर आप ऐड करते हो तो 2 आएगा। अगेन 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो अगेन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। और कैसे लिखना है मैंने जस्ट आपको अभी बताया, तो सेम वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो इनमें से कौन से नंबर 9 से डिविजिबल है? तो 9 की डिविजिबिलिटी भी सेम है जैसे 3 की थी, हमको नंबर्स का सम करके चेक करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है 199, तो लेट, ठीक है, चेक करते हैं। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19। तो अगेन आप लिखोगे, सिंस 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 199 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। अगेन वेरी सिंपल है ना, अगर 19 जो उनका सम वो डिविजिबल नहीं है 9 से, तो 199 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो इसका एक और देख लेते हैं, जैसे कि 2349। अगर मैं 2349 को चेक करता हूँ, तो चेक करो, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 17 18। अगेन देखो इसका सम, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9 आ रहा है आपका 18, विच इज़ डिविजिबल बाय 9, राइट, विच इज डिविजिबल बाय 9। देयरफॉर हम बोल सकते हैं 2349 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, राइट। तो हम इसको इस टाइप से करेंगे, ठीक। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप लोग को इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द इवन नंबर एंड सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर, फिर अगर हम उसको माइनस करते हैं, अगर वो नंबर डिविजिबल हुआ 11 से, तो आपका नंबर भी डिविजिबल होगा। तो इसको करके ही हम देखते हैं 264, राइट। चलो बना के देखते हैं, एक मिनट। हाँ चलो,
264। नाउ 264 को हमको चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमको मालूम है 11 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया कि सम ऑफ ऑड नंबर माइनस हमको करना है सम ऑफ इवन नंबर। अगर इनका सम 11 से डिविजिबल होता है या तो इनका सम ज़ीरो आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलो ऑड नंबर देखते हैं, ऑड प्लेसेस देखो, ये वन और ये थ्री, ठीक है। तो ये वन गिनेंगे, ये वन काउंट करेंगे, ये थ्री काउंट करेंगे, तो ये ऑड प्लेसेस हो गया। तो काउंट करो, फोर प्लस टू कितना हो गया, या टू प्लस फोर लिख देता हूँ, ठीक। अगेन माइनस सम ऑफ इवन नंबर, इवन प्लेसेस में कितना है, ये सिक्स। सम ऑफ ऑड नंबर नहीं बोलना चाहिए ये फॉर्मूले में ना, सम ऑफ ऑड नंबर इवन नंबर नहीं बोलना चाहिए, सम ऑफ ऑड प्लेसेस ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो ये हो जाएगा फोर प्लस टू अगेन सिक्स, माइनस सिक्स आ रहा है ज़ीरो। तो सिंस सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस ज़ीरो आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि 264 इज डिविजिबल बाय 11। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसका एक आध एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ठीक। ये सब चीज़ बेटा आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, है ना। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से पॉज करके उसको लिख लेना कॉपी में। उसके बाद जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, तो उसको साथ ही साथ में आप बनाते चलो, जैसे फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के जितने भी मैंने नहीं बनाए उसको आप साथ ही साथ में बनाते चलो, राइट। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच इज 861809। चलो सिक्स वन एट ज़ीरो नाइन। अब इसका चेक करते हैं, तो ऑड प्लेसेस देख लो इसमें, ये हो गया वन, टू को छोड़ दो ये हो गया थ्री, फोर को छोड़ दो ये हो गया फाइव। तो हमारा ये फॉर्मूला था कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। तो मैं ना यहाँ प्लेसेस स्पेलिंग, ठीक, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन लिख रहा हूँ इन शॉर्ट। तो क्या हो जाएगा बताओ, सिक्स प्लस एट प्लस नाइन माइनस वन प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब देख लो, अब देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कोई मायने नहीं रखता, अगर आपका हो सकता है किसी को सॉल्व करने में नेगेटिव आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस डिविजिबिलिटी चेक करना है। अगर ज़ीरो है और 11 से डिविजिबिलिटी डिविजिबल हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा। नाउ 9 प्लस 1 10 17, 17 प्लस 6 तो 17 प्लस 3 20, 23 तो 23 माइनस 1 प्लस 0 1 तो ये आ रहा है 22। अब बताओ 22 11 से डिविजिबल है, 100% 22 इज डिविजिबल बाय 11। तो देयरफॉर हम लिखेंगे सिंस 22 इज डिविजिबल बाय 11, सो 61809 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। राइट, तो हम इस टाइप से इसको लिखते हैं, तो आप लोग याद रखना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आराम से बना लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। यहाँ तक अगेन इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो बेटा फर्स्ट और थर्ड मैंने कराया, तो ये क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल ट्राई करके देखना, ठीक, आप लोग से आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो इनमें से मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट क्या दिया है फोर्थ वाला, इफ़ 21y5 सॉरी इफ 21y5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 का मल्टीपल है बोला है, वेयर y इज़ अ डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो सबसे पहले हमको क्या दिया है कि 21y5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। अब मल्टीपल ऑफ 9 यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का क्राइटेरिया क्या था कि हम
पहले तो लिखेंगे सिंस इट इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बोलता है कि सारे नंबर्स का सम कर दो, तो 2 प्लस 1 प्लस वाई प्लस 5, तो सम करेंगे कितना आएगा, तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, तो 8 प्लस वाई। अब देखो हमको मालूम है कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा, तो अब हमको गैस करना है कि y की जगह हम ऐसा क्या रखें कि इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमको पहला नंबर तो दिख रहा होगा कि हम y इज इक्वल टू 1 रख दें, क्योंकि अगर आप y इज इक्वल टू 1 रखते हो तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 9, अगेन विच इज़ डिविजिबल बाय 9, राइट, 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो देयर फॉर आपका एक नंबर हो गया y इज इक्वल टू 1, तो देयर फॉर ये हो जाएगा 2115, ठीक, व्हेन y इज इक्वल टू 1, ठीक, जो कि नंबर 9 से 100% डिविजिबल होगा। अब आप चेक करके देखो कि 1 के अलावा भी और कुछ आ सकता है क्या, अगर मैं 1 के अलावा इसमें 8 भी रख दूँ तो 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, और 9 भी रख दूँ तो 9 प्लस 8 17 हो जाएगा, तो ये y की इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कई बार होता है कि y की वैल्यू दो भी आ जाती है, तो आप दोनों को मेंशन करोगे, इसमें फ़िलहाल हमको जब चेक करेंगे, ये बस याद रखना, जब आप चेक करोगे तो y की वैल्यू 0 से लेकर आपको 9 तक चेक करनी है, हम उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, हम 10, 11, 13 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, तो हमको 0 से 9 तक चेक करना है, तो 0 से 9 तक में यहाँ पर 1 रखने से ये इसका सम 9 से डिविजिबल है, तो y इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो गया। अगेन होपफुली आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको मिस मत करना, बहुत ही ईजी है, राइट, अगेन इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 8 y 5 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, 11 से डिविजिबल है ऐसा वो बता रहा है, तो चलो करते हैं, ठीक है, 6 8 y 5, 6 8 y 5, ठीक है, तो चलो देखो 6 8 y 5 इज डिविजिबल बाय 11 दिया है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय, अब 11 की भी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि सम ऑफ हमको क्या करना है, ऑड प्लेसेस, या राइट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, राइट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस कर लो, यहाँ पर ऑड प्लेसेस कितना है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो दैट इज़ योर 6 प्लस वाई माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस विच इज 8 प्लस 5, राइट, तो करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 6 प्लस वाई, ठीक है, माइनस अगेन 8 प्लस 5 करो, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 3 13, राइट, तो माइनस 13, तो अब माइनस कर लो, 6 माइनस 13 अगर आप करते हो तो 6 माइनस 13 हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा y माइनस 7, ठीक, तो ये हो गया y माइनस 7। अब y की जगह हम ऐसा क्या रखें कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, अब देखो y की जगह आप मैक्स टू मैक्स क्या रख सकते हो जो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो, और हमको मालूम है कि हम y की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में ही सेलेक्ट करेंगे, राइट, तो बताओ क्या होगा ये, तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 7, क्योंकि हमको मालूम है सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस अगर हम करें और अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो ऑब्वियसली वो नंबर डिविजिबल होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि y मस्ट बी इक्वल टू 7, क्योंकि अगर हम 7 माइनस 7 करते हैं, अगर हम 7 माइनस 7 करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y मस्ट बी इक्वल टू 7 सो डैट 6 8 7 5 इज डिविजिबल बाय 11, राइट, सो
सो नाउ दिस मस्ट बी योर आंसर दैट वाई मस्ट बी इक्वल टू 7 इज योर आंसर, क्योंकि 0 आ गया इसका मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल हो गया. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट दिया है आपका 1 3 y 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 वेयर y इज़ अ डिजिट, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. ठीक है, और यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन दिया है विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3. हमको बिना बोला है एक्चुअल डिवीजन की ये निकालो कि जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको एक बार गेस करने के लिए दे रहा हूँ आज. ठीक है, और सिक्स क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करके देखना. मैं सिक्स क्वेश्चन के लिए आपको हिंट दे देता हूँ कि 1 3 y 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6. अब हमने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 6 मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा. यानी हमको पहले ये देखना है कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो. तो देखो लास्ट नंबर 8 है बेटा, तो 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा क्योंकि इवन नंबर है, हमेशा डिविजिबल होगा 2 से. तो आपको बस क्या चेक करना है कि 3 से डिविजिबल कैसे होगा, वाई की कौन सी वैल्यू रखने पे ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. राइट, यानी कि सेम वैसा ही जैसे मैंने 9 वाला बताया था, 1 + 3 + y + 8 आप करना, तो वहाँ से फिर आपको y की वैल्यू गेस करनी है और ये बताना है कि भाई y की वैल्यू हम ऐसा क्या रखें जो 3 से डिविजिबल हो. और अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो फिर वो नंबर 2 से तो हो गई क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है. अब देखो इसमें y की एक से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो आप ये करके आना. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ इसका और भी यहीं से यानी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा इसको एक बार, लेकिन प्लीज़ आप लोग खुद से ट्राई ज़रूर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर दिए, ये भी कर लूँगा तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए नहीं बचेगा. तो 6 करके आना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा. सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 2 4 3 8 7 इज डिवाइडेड बाय 3. अब वो बोला है बिना एक्चुअल डिवीजन के आप ये बताओ कि जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा. तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका सम चेक कर लो. ठीक है, तो सम चेक कर लो, अगर सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. और हमको मालूम है अगर कोई नंबर किसी चीज़ से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 0 बचता है. राइट, तो मैं आप लोग के लिए ये 2 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, होपफुली आप लोग ये बना के आओगे ये दोनों क्वेश्चन. राइट, 6th और 7th एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना. नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कैरी फॉरवर्ड करूँगा. और उसके बाद बेटा एक चीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है. ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब पजल टाइप का है ये, और उसको आपको सॉल्व करना है. तो इसमें कहीं कोई लॉजिक, कहीं कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट या पढ़ाने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई थ्योरी पढ़ाने वाली इसमें नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है. तो एक्सरसाइज 5.3 आप लोग अभी घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में. एक पज़ल है, जैसे मैथ्स के कुछ ही पज़ल्स आपको आपके बुक्स में होते हैं, उनमें से ये एक है. आपको बस ये अल्फ़ाबेट ए बी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सीइंग द सम सीक्वेंस ऑफ द नंबर. ठीक है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है आपको नंबर गैस करने हैं. तो होपफुली आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखना. 1-2 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जंप करेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू क्लास.